नमस्कार। पोल का बाय द वुमेन फॉर द वुमेन में मैं डॉक्टर वंदना। एएमसी क्लिनिक में आने वाली बहुत सी प्रेग्नेंट महिलाएं पूछती हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या वो जर्नी कर सकती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप एक बात अच्छे से समझ लें कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, यह केवल एक फिजियोलॉजिकल चेंज है। यदि अनकॉम्प्लिकेट प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में भी आप वो सब कुछ कर सकती हैं जो आप प्रेगनेंसी के पहले करती थी, बस थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको लॉन्ग रोड जर्नी अवॉइड करनी है। यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो बाय एयर या ट्रेन से ही सफ़र करें। यदि आप बाय रोड जा रहे हैं तो कार या बस सेफ है, पर रोड अच्छा होना चाहिए। सफ़र के दौरान आपको झटके ना लगें, और यदि लो लाइंग प्लाजेंटा है तो आप सफ़र बिल्कुल भी ना करें। सेकंड ट्राइमेस्टर मीन्स जैसे ही आपको फोर्थ मंथ स्टार्ट होता है, आप किसी भी जर्नी के लिए सेफ हैं, क्योंकि अब बेबी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बहुत सुरक्षित है। यह एमनियोटिक फ्लूइड एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जिससे कि कोई भी झटका बेबी को नहीं लगता है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको लॉन्ग ट्रेन जर्नी अवॉइड करनी है, क्योंकि यदि कभी प्रीमैच्योर लेबर आपको स्टार्ट हो गया तो आप और आपका बेबी दोनों ही मुसीबत में पड़ सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में एयर जर्नी सेफ है, पर कुछ एयरलाइंस केवल 28 वीक्स तक और कुछ एयरलाइंस 36 वीक्स तक ही प्रेग्नेंट लेडी को जर्नी के लिए परमिट करते हैं। आप जब भी एयर जर्नी कर रही हैं तो आपको जर्नी के 7 डेज के अंदर का ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट ज़रूरी है। आप कभी भी ट्रैवल करें तो अपने साथ इमरजेंसी मेडिसिन जैसे कि उल्टी, पेट दर्द या फीवर की, ये सभी दवाइयाँ अपने साथ रखें। हो सके तो ट्रैवलिंग के पहले एक सोनोग्राफी करा लें, और साथ ही साथ अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार अपना चेकअप करा लें। आप जब भी लंबा सफ़र करें तो कुछ सावधानियाँ रखें, जैसे कि बार बार पानी या फिर कोई भी लिक्विड लेते रहें, ढीले कपड़े पहने, इमरजेंसी मेडिसिन हमेशा अपने साथ रखें, स्ट्रीट फूड बिल्कुल भी ना खाएं। यदि आपको प्लाजेंटा प्रीविया या फिर हाइपरटेंशन या फिर ट्विन्स प्रेगनेंसी है तो ऐसे में सफ़र बिल्कुल भी ना करें। आपके किसी भी हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपकी नई समस्या और उसके समाधान के साथ।